छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में श्रमजीवी पत्रकार संघ का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि अनिल भेड़िया, मंत्री महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ अध्यक्षता अरविंद अवस्थी, प्रदेश अध्यक्ष श्रमजीवी पत्रकार संघ के सानिध्य में यहां चुरगिया मांकलिक प्रांगण धमतरी रोड देवार भाटा बालोद में संपन्न हुआ। पत्रकारों की हालत पर प्रकाश डालते हुए अध्यक्षता कर रहे अरविंद अवस्थी ने कहा है कि निस्वार्थ देश समाज के लिए काम करने वाले कर्मवीर अपने हाथ पर विवश और बेबस हैं। भीड़, दंगा, आगजनी, महामारी या फिर नेताओं की समाचार कवरेज करनी है तो अपनी जान जोखिम में डालकर किसी तरह से पहुंच जाते हैं, परंतु बदले में मिलता क्या है? अधिकारियों का तिरस्कार, नेताओं के आगे पीछे घूमने वालों की गाली, पुलिस वालों की फटकार, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर भी अपना कर्तव्य समझकर फर्ज अदा करने के लिए लोगों के लिए सरकार भी कोई ठोस कदम ऐसे लोगों के लिए नहीं उठा रही है। आज हमारे बालोद जिला में राज्य स्तरीय श्रमजीवी पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो वो सम्मेलन में हम सबको भागीदारी बनने का मौका मिला और श्रमजीवी पत्रकार संघ के साथियों ने हमें निमंत्रण भी दिया था, तो इसी बहाने इनके सम्मेलन में आकर उन लोगों को शुभकामनाएं भी दी और उनकी समस्याओं से भी अवगत। श्रमजीवी पत्रकार संघ बालोद जिला इकाई की तरफ से आज प्रदेश का सम्मेलन आयोजित किया गया था। प्रदेश का सम्मेलन आयोजन का उद्देश्य ये रहता है कि पूरे प्रदेश भर के पत्रकार साथी एक जगह इकट्ठा हो, उनके सुख की चर्चा हो, उनकी कठिनाइयों की चर्चा हो, उनकी कठिनाइयों को दूर कैसे किया जाए, पत्रकार समाज में जो भ्रांतियां हैं, पत्रकारों की जो पीड़ा है, पत्रकारों का जो दुख दर्द है वो कैसे दूर किया जाए, उनको मदद कैसे किया जाए, इस पर चिंतन विषय पर हम लोग आज संगोष्ठी भी रखे थे।